तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दो तीन लेडीज यहाँ पर खड़ी हुई है और बातचीत कर रही है, जो कि अपने कस्टमर से डील कर रही है। तो यह है मुंबई का, जो कि दूसरे नंबर पे कह सकते हैं रेड लाइट एरिया इसे, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मुंबई के कल्याण जंक्शन पे, जैसे कि आपको स्टेशन यहाँ से दिख रहा होगा। और यहाँ से हम चलने वाले हैं कल्याण का, जो मुंबई कल्याण है, जो कि रेड लाइट एरिया बहुत बड़ा यहाँ भी है, जो कि कमाटीपुरा के बाद। तो चलिए यहाँ हम रेड लाइट एरिया दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं पूरा डिटेल्स, कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, पूरा लोकेशन वगैरह। उससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है कल्याण का, जो कि मुंबई में पड़ता लगता है, कल्याण जंक्शन है। तो वहाँ से फुट ब्रिज जैसे निकलते जंक्शन से, तो आपको पूरा रेड लाइट एरिया देखने को मिलेगा। मतलब कि यहीं पर जो रेड लाइट एरिया वाला काम सब होता है, जैसे दिन को भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन जो शाम को मतलब 7-8 बजे के बाद से मतलब धीरे धीरे आपको शक्ल में आ जाता है पूरा। तो यहाँ पर भी सामने आपको दिख रहा है, और ये कल्याण वेस्ट में पड़ेगा, जो कि फुट ब्रिज आपको दिखेगा, बहुत बड़ा फुट ब्रिज है। नीचे मार्केट है, ऊपर फुट ब्रिज है, जो कि आपको सामने लेडीज़ वगैरह दिख रही है, जैसे 4-5 लेडीज़ सामने भी आपको यहाँ से दिख रहा। तो यहाँ पर लेडीज़ रहती है, बातचीत यहाँ से होती है। आपको जहाँ भी नज़र जाएगी थोड़ा थोड़ा दूर पर ऐसी चार पाँच लेडीज़ देखिए, सामने यहाँ पर भी देखिए 3-4 लेडीज़ यहाँ पर भी है, और यहाँ पर बातचीत हो रहा कस्टमर से, मतलब डील फाइनल यहाँ पर की जाती है। और यहाँ से बातचीत होने के बाद, मतलब डील फाइनल होने के बाद, आपको जहाँ उसका जगह होगा वहाँ लेकर के जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे बातचीत की जा रही है, और यहाँ पर भी आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर भी बातचीत चल रही थी। और यह देखिए कोने में भी सामने आपको दिख रहा होगा दो जन बातचीत चल रही, दो जन के बीच में। तो आपको जहाँ भी नज़र जाएगी फुट ब्रिज पर, तो मतलब लेडीज़ वगैरह जो भी रेड लाइट एरिया में काम करने वाली है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सामने देखिए, सामने भी बातचीत चल रही है, जो रेड साड़ी में जो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पूरी मार्केट दिख रहा है यहाँ से, और ये सामने भी, यहाँ से भी आपको पूरा दिख रहा होगा सामने, जो कि तो ये फुट ब्रिज पर पूरा आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने देखिए एक लेडी दिख रही होगी, तो ये देखिए पूरा मार्केट भरा हुआ है, और इसी मार्केट में धीरे धीरे मार्केट कम होते जाएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर क्या सीन है। देखिए यहाँ पर भी दो रिक्शा के बीच में दो तीन लेडीज़, 3 से 4 लेडीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर, जो कि अपना डील फाइनल कर रहा है कस्टमर के साथ। तो मतलब जैसे जैसे मार्केट थोड़ा धीरे क्लोज होते जाएगा, आपको पूरा एकदम साफ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको रिक्शा के आजू बाजू, मतलब पूरी मार्केट के फुट ब्रिज के नीचे ऊपर हर जगह आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर भी आपको, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सामने देखिए दिख रहा होगा रेड कपड़े में, जो कि एक लड़का है, जिसे मतलब कस्टमर उनका है, उनसे बातचीत की जा रही है। और ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आप यहाँ आते हैं तो क्या कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि आपको समझ में एकदम पूरा आ जाएगा कौन से बात की जा रही, कैसे बात की जा रही है। देखिए आदमी बंदा चेंज होता रहेगा, लेडीज़ वही रहेगी, जिसका डील फाइनल होता है वो साथ में जाएगा, जिसका डील फाइनल नहीं होगा वो चला जाएगा, फिर दूसरा कोई और बंदा आएगा, वो अपना बातचीत करेगा, जिसका जैसा डील होगा उसके हिसाब से बातचीत आगे होगी। यहाँ पर दिख रहा होगा ये बंदा मतलब कुछ टाइम से लगा हुआ बातचीत करने में, और मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे जूम करके, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ यहाँ पर क्या क्या सीन होता है। थोड़ा रुक कर दिखाते हैं। और एक और बात, जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग भी गलती नहीं कीजिएगा, और अपना अलर्ट मूड में रहिएगा, और यहाँ जाने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से अपना जाते हैं तो उसको खतरा होता है, लूटपाट के भी शिकार हो जाते हैं यहाँ। तो ये सब का अपना ध्यान रखिएगा, एकदम ज़रूरी ये सब ध्यान रखने की बात है। जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा, अभी तक बातचीत चल रही है, तो चलिए मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और ये देखिए मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि फुट ब्रिज है, मतलब लोगों का आना जाना हर चीज़ है, फिर भी मतलब कोई टेंशन नहीं। मतलब और सब जगह क्या होता है, थोड़ा शर्म आती है, लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, सबको पता है, इसके लिए कोई शर्म वाली बात है नहीं। तो ये इसको मैं जूम करके एकदम अच्छे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बंदा वही है, एक इधर से आया एक उधर से आया, एक और बंदा आया जैसे बातचीत किया, कुछ कहा होगा, उसको नहीं पसंद आया वो चला गया। लेकिन ये बंदा है जो मतलब कि लगभग कुछ टाइम से बातचीत कर रहा है, लगता है इनसे बात आगे बढ़ रहा है। ये भी देखिए इधर सामने भी एक और देखने को मिल रहा है आपको,
और इधर भी आपको ये नीचे है, नीचे के साइड जो ब्रिज के नीचे के साइड में आपको मतलब देखने को मिलेगा, जहाँ पर रिक्शा वगैरह आपको लगता है समझ में नहीं आएगा। देखिए सब खड़ा हुआ लाइन से सब खड़ी हुई है, और ये इधर फल फूल पर बिक रहा है उसके सामने आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लेडीज रहती है। आप यहाँ पर देखिए सब खड़ी हुई है, सब दिख रहा होगा, चेहरा मैं नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो कि काफ़ी मात्रा में, मैंने बताया ना कि काफ़ी मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और मतलब कि 9-10 के लगभग टाइम जब हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो कि कल्याण मुंबई का है, और चलिए आगे चलते हैं। फुट ब्रिज यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, मतलब जैसे जैसे आप, बहुत बड़ा ब्रिज है, स्टेशन जंक्शन है तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप जितना दूर चलिएगा वेस्ट में